एक्चुअली मेरे साथ सीन ये हुआ कि कल मैं होंडा के सेंटर में गया और मेरी गाड़ी का 20,000 किलोमीटर की सर्विसिंग है। सो इशू क्या आया, मतलब जब भी मैंने उनको पूछा, मैंने हर एक वीडियो में देखा था कहाँ पर भी सर्विसिंग 6.5-7 के ऊपर नहीं गई, डीजल में, डीजल वेरिएंट में। जो डीजल्स गाड़ियाँ थी उनकी 7-7.5-7.5 हज़ार के ऊपर, मतलब पैसे के ऊपर नहीं गई इतनी सर्विसिंग कॉस्ट। लेकिन मुझे कल बोला कि 9,000 आपके होंगे, उस पर GST एडिशनल और कुछ अलग आपका है गया तो उसका एडिशनल, मतलब 10-11 पकड़ के समझो, समझ के चलो। सो मैंने बोला इतना भाई, जितना गाड़ी कमाए, मतलब अभी ये टी परमिट में गाड़ी है तो जितना ये कमाएगी नहीं उतना उसका खर्चा होगा, मतलब होंडा का इतना, अगर मैं शोरूम सर्विस सेंटर में गया तो। सो मैंने क्या किया, जहाँ जब भी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जैसे आपने किसी को, आपको पता रहेगा, तो ये जो यहाँ पे जो डोर से दो वो फुली न्यू डोर है, तो ये मैंने किया था गो मैकेनिक से, मतलब वो अंकल ने किया था। सो मैंने क्या सोचा, उनको कॉल करता हूँ, उनको कॉल किया और आज मैं उनके पास आया हूँ गो मैकेनिक में सर्विसिंग, फर्स्ट टाइम, देखते कितना कैसा है मेरा एक्सपीरियंस है। सो मैं गो मैकेनिक और वो CNG का, मतलब वो तो एक है भाई, क्लीनर फ्लश डालो आपका आपकी गाड़ी अच्छी रहने के लिए। सो मैं अभी इनको बोलूँगा और सब ये करते, और मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ एक इनके बारे में कि ये लोग का कैसा है यहाँ पर सर्विसिंग। मतलब होंडा इज़ वेरी कॉस्टली भाई, अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉस्ट है इसका, मेरे दिल पे आ गया, धक धक हो गया मेरा, इतना पैसा मैंने गाड़ी ली और मैं बस निकल गया वहाँ से, कि उनको कैसा भी लगने दो लेकिन भाई पैसा तो मेरा जाएगा, 12,000, 11-12 हज़ार भाई बहुत ज़्यादा है। सो मैंने गो मैकेनिक से अभी मैं मेरी फर्स्ट सर्विसिंग करूँगा, चलो देखते हैं, आपको भी वीडियो बना के मैं दिखाता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर सर्विसिंग होगी, ये पनवेल में है और ये गो मैकेनिक का है, नित्यानंद ऑटो, और अभी गाड़ी मेरी यहाँ पर ले ली है। अभी मैंने उनको बोल दिया कि क्या बोलते हैं वो फ्लश क्लीनिंग क्लीनिंग डाल दो और इंजन का क्लीनिंग करो, और ये जो मेरा डेंट है यहाँ पर गाड़ी का, जो कि अपने क्लीन ग्रीन मुंबई वालों ने सोचा था, वो बाहर निकाल दो, तो उसमें डेंटिंग पेंटिंग नहीं, वो बस बाहर निकालेंगे वो, और ये सब इधर हो रहा है। और ये मुझे होंडा में बोला था कुछ 2,500 का, 2,500 से ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग इंक्लूड थी इसमें। तो अभी देखते हैं, और आज मैं इसका पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि गो मैकेनिक कैसे है, आपको जो आपकी गाड़ी क्या बोलते हैं होंडा है तो होंडा के सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मारुति है तो मारुति की सर्विस सेंटर, देखो पीछे रेंज रोवर भी है, और ये इनका अलग शॉप है और इनकी पेंटिंग का अलग शॉप है। मतलब ये लोग ने अभी सुरबे में थे जब भी मैंने मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जब भी ठीक किया था, और अभी पनवेल में कलमबोली में शिफ्ट हो गए। मैं एड्रेस लिंक में डाल दूंगा, आप यहाँ पर आ सकते हो। तो अभी मैं आपको फुल इनका सर्विस सेंटर और कॉस्टिंग मेरी गाड़ी की सर्विसिंग का पूरा बताऊँगा, होंडा का कुछ 10-11 और इसका अभी देखते कितना होगा। तो ये डेंटिंग मेंटिंग भी, अभी ये डेंटिंग तो होंडा में और डबल ले जाओ, डबल हो जाता, मतलब 13-14 पकड़ लो, तो अभी देखते हैं। तो चलो, ये कि आपको यहाँ पर आना ही चाहिए, ये घर से फ्री पिकअप एंड फ्री ड्रॉप भी इन लोग की सर्विस है, मतलब ड्रॉप भी आप कहाँ पर भी मुंबई में रहते हो वहाँ से आपको ड्रॉप ले सकते हैं और लेके आपको वापस से आपके डेस्टिनेशन पर छोड़ सकते हैं। देखो जेन्युइन पार्ट्स और ये सब गो मैकेनिक के वारंटी के साथ मिलता है, पीरियोडिक सर्विस। तो ये है इंजन ऑयल जो कि इंजन में जाने वाला है, ये भी मोबिल का अच्छा इंजन ऑयल है जिसका आप देख सकते हो यहाँ पर। दिस द एयर फिल्टर जो कि इंजन में यहाँ पर लगता है होंडा अमेज में, आई थिंक इनका लंच टाइम चालू है, लंच टाइम के बाद मेरे गाड़ी का मतलब चालू होगा काम, सर्विसिंग चालू होगी। सो यहाँ पर डाल रहे हैं क्लीन फ्लश जो कि कार्बन निकालने में इंजन का हेल्प करेगा। सो ये यहाँ पर डाल रहे हैं, अभी इंजन को गर्म करेंगे उसके बाद निकाल देंगे ऑयल बाकी का। बॉटल अभी स्टार्ट कर दिया इंजन ऑयल फ्लश डालने के बाद, तो अभी ये अंदर से पूरा क्लीन हो जाएगा, CNG जो कार्बन रहेगा। अभी ये सर बोल रहे थे कि 60,000 के ऊपर, लेकिन मैंने CNG लगाया है इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ, 20,000 किलोमीटर, मतलब हर एक 10,000 किलोमीटर में मैं ये करूँगा।
यहाँ पर मेरे जो ब्रेक पैड है वो साफ कर रहे हैं फ्रंट टायर के ये भाई। अभी यहाँ पर ऑयल फिल्टर निकाल रहे हैं, देखो ऑयल फिल्टर निकाल दिया है और ये वही ऑयल फिल्टर है नया वाला सेम जो कि होंडा में है। ओके, और ये एयर फिल्टर कि लो क्वालिटी का माल यूज़ करते हैं, देखो सेम वही है, यहाँ भी वही है, वो भी वही है, सेम होंडा का ही है सब। कूलेंट टॉप अप कर रहे हैं, ये होंडा की सर्विस में नहीं था 20,000 किलोमीटर में कि कूलेंट भरेंगे, ये उसमें नहीं था, लेकिन ये लोग अभी कूलेंट ये करेंगे। तो कूलेंट का वो पाइप वहाँ पर ओपन किया है देखो ये, और इनका ये एक महिंद्रा एक्सयूवी को देखो इन लोग ने पॉलिशिंग किया, क्या गाड़ी दिख रही है पूरी नई। मेरी गाड़ी को भी जब एक्सीडेंट हुआ था अभी पॉलिश किया था, अभी मैं बाद में कराऊंगा, अभी नहीं लेकिन कराऊंगा, क्या दिख रही है देखो न्यू। और सिर्फ ये नहीं, रेंज रोवर, ये ऊपर लैंड रोवर, देखो अभी एक नई मर्सिडीज़ भी आई है, मतलब आप ये देखो ये मर्सिडीज़ रेड वाली। ओके, मतलब कूलेंट क्या रहता है फिर, कूलेंट किधर डालते हैं? अच्छा, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़, मतलब अभी जैसे वो स्प्रे रहता है होंडा वाले के पास हवा मारने का, वो नहीं है इन लोग के पास, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़, तो उससे पूरी धूल निकल जाती है जो अंदर रहती है, सो बस ये वो थोड़ा सा इन लोग के पास नहीं है, बाकी सेम जैसे इसको अभी ऊपर उठाते थे और वो साफ करते थे होंडा वाले रहते तो। अभी सब हो चुका है इंजन का ऑयल रिप्लेसमेंट, व्हील सब साफ करके, सो अभी इसके बाद क्या बोलते हैं व्हील अलाइनमेंट की बारी है, सो व्हील अलाइनमेंट होगा, उसके बाद वॉशिंग, उसके बाद ख़त्म। तो अभी हम लोग व्हील अलाइनमेंट करने जा रहे हैं मेरी कार का, और जो इनका शॉप अलग है, मतलब यहाँ पर सर्विसिंग होती है, व्हील अलाइनमेंट, डेंटिंग, पेंटिंग सब दूसरे शॉप में होती है, सो इसके वजह से आई थिंक ये लोग ने यहाँ पर लिया है, क्योंकि जहाँ पे पहले था तुर्बे में वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव था और थोड़ा कंजेस्टेड था, अभी जैसे थोड़ा खुला खुला एक अलग वो अलग, सो ये अच्छा है। और ये देखो मैं मेरी गाड़ी के पीछे बैठा हूँ और मैं 6.3 फीट है मेरी हाइट, और तभी भी ये देखो इतना मेरे पैर टच हो रहे, मुझे लेग स्पेस अच्छे से मिल रहा है, मतलब एकदम कंफर्टेबल ऐसे मैं बैठ सकता हूँ पीछे, ऐसे नहीं कि कुछ इशू आ रहा है। हाँ, अगर दो तीसरा जाना है तो मुझे इशू आएगा, लेकिन दो जाना अगर मेरे ही, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ आर्मरेस्ट निकल के पूरा, सो ऐसे मैं बैठ के और यहाँ पर एक कोई बैठेगा तो कुछ नहीं इतना, लेकिन अगर हाँ तीसरा जन अगर आर्मरेस्ट के सामने है तो मुझे थोड़ा इशू होगा बैठने के लिए, नहीं तो चार जन के लिए बहुत कड़क गाड़ी मेरे जैसे हाइट वालों की, हाँ थोड़ी सी यहाँ पर लगती है लेकिन इतना कुछ नहीं है, इशू नहीं है, हम लोग ऐसे मस्त पे के बैठ सकें। मैं तो सोचता हूँ यार मुझे ऐसा बैठना चाहिए भाई, मैं हमेशा उधर रहता हूँ कॉकपिट में स्टेयरिंग पे, यार मुझे इधर रहना है। इस वेयर अलाइनमेंट विल डन, व्हील अलाइनमेंट अभी देखते, अलाइनमेंट कर रहा है व्हील को, यहाँ से निकाल दिया पहले, बैलेंसिंग कर रहा है, व्हील का बैलेंसिंग हो रहा है यहाँ पर, अभी आई थिंक बैलेंसिंग हो रहा है। तो भी हो रहा है व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग हो गया, मशीन सेटअप कर दी है, अभी वहाँ पर भाई कंप्यूटराइज से करेंगे आगे के व्हील की सेटिंग, ये देखो कर रहे हैं अन्ना कर रहे हैं भाई। सो अभी हो रही है वॉशिंग, देखो गाड़ी कैसी चमक रही है, फुली सर्विस हो चुकी है, अभी मैं इसके बाद रिव्यू दूंगा। सो गाइज, अभी मैं कार चला रहा हूँ एंड सीरियसली मुझे कार बहुत स्मूथ लग रही है, जो लास्ट टाइम मैंने क्या बोलते अपना जो लास्ट टाइम मैंने सर्विसिंग की थी होंडा से, विच इज 10,000 किलोमीटर, पता है नहीं मुझे, लेकिन मुझे अभी गाड़ी द्वारा ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, पता नहीं ऐसा क्यों है, आई थिंक व्हील अलाइनमेंट के वजह से आई गेस, बट हाँ गाड़ी मुझे बहुत सॉफ्ट लग रही है और फट करके, मतलब रेस दे रहा हूँ तो फट करके ऊपर आ, ये मेरा फर्स्ट है इम्प्रेशन। हाँ, इन लोग के पास ना थोड़ा इक्विपमेंट्स मतलब है, लेकिन आई गेस उन लोग का थोड़ा बिगड़ गया था, जो कि अभी सॉरी गूगल का आवाज आता रहेगा। सो गाइस, राइट नाउ आई एम ड्राइविंग माय कार और मैं अभी वहाँ से निकल गया हूँ,
सो गाइस अभी मैं क्या बताऊँ, मैं जो मैंने चलाई है ना, जो मैंने मतलब अभी चला रहा हूँ गाड़ी ना, वो मुझे ऐसे लग रही है कि पता नहीं व्हील अलाइनमेंट या व्हील बैलेंसिंग का कमाल है। मतलब गाड़ी इतना सॉफ्ट लग रही है मुझे, या फिर सर्विसिंग ऑयल वॉयल में मैंने वो सब कार्बन का ये डाला, पता नहीं मुझे कौन से हिस्से है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है कार की, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कार चलाने में। मुझे सीएनजी में इतना पिकअप जिंदगी में कभी नहीं मिला था जितना आज। मतलब मैं बोल रहा नहीं सीएनजी में पिकअप की प्रॉब्लम है, बट आई एम गेटिंग द मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिकअप अभी, और गाड़ी इतनी सॉफ्ट चल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जस्ट रुक जाओ, मुझे इस ट्रक को ओवरटेक करने दो। अरे भाई मारेगा क्या, मरवा के मानेगा। ये भी सुन रहा नहीं, ये भी सुन रहा नहीं है। सो जो ये गाड़ी है वो इतना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस अभी दे रही है अभी फिलहाल, मुझे पता नहीं इतनी मतलब मुझे, मैंने जब 10,000 की सर्विसिंग की थी, ऑयल चेंज किया था, सब किया था, वही ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर और इंजन ऑयल चेंज किया था, जब भी मुझे इतना अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा जितना अभी आ रहा है। और अगर मैं ये होंडा में व्हील बैलेंसिंग नहीं मिल रहा था मुझे कुछ 9 या 10 हज़ार में, मुझे वो लोग क्या बोलते अपना व्हील अलाइनमेंट दे रहे थे, बट आई डोंट गॉट द व्हील बैलेंसिंग। इसमें मुझे व्हील बैलेंसिंग भी मिला कॉम्प्रिहेंसिव में। मतलब आप सोचो कि आपको कहाँ जाना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होंडा की कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई लेबर चार्जेस में बहुत लूट रहे हैं, ये गलत बात है, इतना भी नहीं लेबर चार्जेस में लूटना चाहिए। सो मेरे को क्या लगता है पता है क्या, ये होंडा ये बाकी सब कंपनीज ये ऐसे नहीं, ये ऐसे पैसे कमाती है जब भी हमारी सर्विस गाड़ी की निकलती है तभी, मतलब वो सर्विसिंग में पैसा छाप रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, फीलिंग आती है दिल से। और अब मतलब ये ऐसे कोई कोई स्टार्टअप कर गो मैकेनिक जैसे और भी बहुत सारे, वहाँ पर हम लोग क्यों नहीं जाते सर्विसिंग करना, हम लोग हमेशा यही प्रेफर क्यों करते हैं। अभी मुझे मतलब मुझे लगा कुछ ज़्यादा पैसे, मैंने अभी यहाँ पर मेरी टोटल बिलिंग हुई है 6,000 की, कितना 6,000 की बिलिंग हुई है, ओके उसमें मैंने मेरा व्हील अलाइनमेंट किया है, व्हील बैलेंसिंग कर दिया है, ओके। सो और बाकी सब तो ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट टॉप अप किया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए 6,000 में, हाँ नहीं तो अपने होंडा वाले बस 6,000 में तो क्या करेंगे, एयर फिल्टर लगा देंगे, ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज बस। अभी ये मत बोलो कि वो लोग अच्छा ऑयल डालते हैं, हाँ ठीक है उनका भी ऑयल अच्छा है, इनका भी ऑयल गंदा नहीं, मोबिल का ऑयल डाल रहे थे ये लोग ने मुझे, मैंने आपको पूरा वीडियो में आपने अच्छे से देखा रहेगा। तो सो गुड थम्स अप टू क्या बोलते हैं गो मैकेनिक, आपको अगर यहाँ पर आना है ये अच्छे मतलब पूरा मतलब मैं लेट पहुँचा था तभी भी वो लोग ने मुझे कुछ नहीं किया पूरे, हाँ लेट हुआ व्हील अलाइनमेंट में और व्हील बैलेंसिंग में बहुत टाइम चला गया। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रा जल्दी आना जब भी आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव में लेना है। यहाँ पे दो टाइप की है आपको सर्विसिंग मिलेगी, एक स्टैंडर्ड एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव। स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा वही जो होंडा देगा, मतलब वो 4,000 की है स्टैंडर्ड, और उसमें आपको क्या मिलता है कि ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, कार वॉशिंग, बस ये बेसिक। उसमें व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग नहीं आएगा। मतलब ना मैं भी सोच मतलब पता नहीं मुझे ऐसी न्यू गाड़ी जैसी फीलिंग आ रही है, गाड़ी इतनी सॉफ्ट चल रही है, मैं ऐसे ही बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली गाड़ी बहुत सॉफ्ट चल रही है और बहुत मतलब ऐसे फील आ रहा है कि ऐसे एक्सीलेटर या तो भाग रही है जैसे मैंने डिलीवरी के टाइम लिया था वैसे हो रहा है। और ये आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली व्हील अलाइनमेंट है या फिर मेरे इंजन में अगर कार्बन फंसा रहा है, क्योंकि बहुत काला काला तेल निकला था, बहुत मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था इतना काला तेल था, और वो मैंने मिक्स किया कार्बन का क्या, उसके वजह से मेरा इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ क्या क्या पता नहीं, लेकिन गाड़ी बहुत कमाल का पिकअप दे रही है और अभी एवरेज भी आई थिंक कड़क ही है इसका।